हेलो डियर स्टूडेंट, फॉर क्लास 9 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 2 पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। इन दिस चैप्टर यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस ऑनलाइन क्लास बाय मी इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। डियर स्टूडेंट, कक्षा 9 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 2 पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने क्या देखा था कि जो सम्राट औरंगजेब था वह अपने शाही आवास में पुंगी नामक वाद्य यंत्र बजाना बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत कर्कश थी। पुंगी नरकट से बने सुर मचाने वाले सभी वाद्य यंत्रों का सामान्य नाम बन गया। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह एक दिन पुनर्जीवित हो जाएगी। पेशेवर संगीतकारों में से एक जो कि नाई था, जिसकी राजमहल तक बहुत पैठ थी, बहुत पहुंच थी, उसने पुंगी की स्वर ध्वनि की गुणवत्ता में सुधार लाने का निश्चय किया और उसने प्राकृतिक खोखले तने का एक पाइप चुना जो कि पुंगी से लंबा व थोड़ा चौड़ा था और पाइप में उसने 7 होल कर दिए थे। जब उसने इसमें से कुछ छेदों को बंद करके तथा खोल कर इसे बजाया तो कोमल व मधुर ध्वनियाँ उत्पन्न हुई। उसने राज परिवार के सदस्यों के सामने वाद्य यंत्र को बजाया था और इससे हर व्यक्ति प्रभावित हुआ। पुंगी से एकदम भिन्न इस वाद्य यंत्र को एक नया नाम देना था। जैसे कि कथा कही जाती है कि यह पहली बार शाही कक्षों में बजाई गई थी तथा एक नाई के द्वारा बजाई गई थी। इस वाद्य यंत्र को कौन सा नाम दिया गया? शहनाई का नाम दिया गया। तो डियर स्टूडेंट, आइए आगे चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू कंसीडर ऑस्पिशियस। साउंड आवाज ऑफ शहनाई बिगन शुरू होना, कंसीडर मीन्स होता है समझना, ऑस्पिशियस मीन्स होता है शुभ माना जाना। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसीडर ऑस्पिशियस, शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा। शहनाई के जो स्वर थे उसे शुभ मानने का प्राविधान शुरू हो गया। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। एंड फॉर दिस रीजन, और यही कारण है, इट इज स्टिल प्लेड माने बजाया जाता है इन टेम्पल्स मंदिरों में, इंडिस्पेंसेबल अनिवार्य कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, उत्तर भारतीय शादियों। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। तथा इसी कारण से, एंड फॉर दिस रीजन, तथा इसी कारण से इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसे अब भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और यह किसी भी उत्तर भारतीय विवाह का एक अनिवार्य अंग बन गया है। इन द पास्ट अतीत में, बीते हुए समयों में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत आर ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। अतीत में शहनाई नौबत या राजदरबार में पाए जाने वाले 9 परंपरागत वाद्य यंत्र समूह का एक अंग था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स।
हाल ही तक, रिसेंटली, अभी अभी, हाल ही तक, टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, हाल ही में या हाल ही तक इसका प्रयोग केवल मंदिरों व विवाहों में होता था, शादियों में होता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज, क्लासिकल स्टेज शास्त्रीय मंच पर, गोज टू उस्ताद बिस्मिल्ला खान। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्ला खान, इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्ला खान को जाता है। तो यह रहा आज के पहले पैराग्राफ का अर्थ, पूरे किताब के दूसरे पैराग्राफ का अर्थ। अब आते हैं तीसरे पैराग्राफ में। एज ए 5 ईयर ओल्ड, 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पोंड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। 5 वर्ष की अवस्था में बिहार में डुमराव के प्राचीन इलाके में तालाब के पास बिस्मिल्ला खान गिल्ली और डंडा खेला करते थे, जिसे गुल्ली डंडा कहते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द गिल्ली और डंडा है। एज ए 5 ईयर्स ओल्ड, 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा, बिस्मिल्ला खान गिल्ली डंडा खेला करते थे नियर ए पोंड, एक तालाब के समीप, इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, बिहार के नियम देखिए बिहार के समीप, बिहार में डुमराव के प्राचीन इलाके में। तो एज ए 5 ईयर्स ओल्ड बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पोंड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, 5 वर्ष की अवस्था में बिहार में डुमराव के प्राचीन इलाके में तालाब के पास उस्ताद बिस्मिल्ला खान गिल्ली और डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, देखिए वे नियमित रूप से निकट के बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने जाया करते थे, एट द एंड ऑफ विच, जिसकी समाप्ति पर, ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेगिंग 1.5 kg, जिसकी समाप्ति पर उन्हें 1.25 यानी 1.25 किलो का बड़ा लड्डू मिलता था, ए प्राइज गिवन बाई लोकल महाराजा, जो उन्हें स्थानीय महाराजा के द्वारा पुरस्कार स्वरूप दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, यह 80 वर्ष पुरानी बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। यह 80 वर्ष की बात है और यह छोटा बालक भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने के लिए दूर दूर की यात्रा कर चुका है। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा तीसरा पैराग्राफ। अब आते हैं चौथे पैराग्राफ की तरफ। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्ला बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। देखिए 21 मार्च 1916 में पैदा हुए बिस्मिल्ला खान बिहार के एक संगीतज्ञों के प्रसिद्ध परिवार से संबंध रखते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके दादा, देखिए हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार में सहनाई वाज थे, सहनाई वादक थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वेयर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। उनके पिता पैगंबर बख्श तथा अदर पैटर्नल एंसेस्टर
तथा पिता के पक्ष के दूसरे पूर्वज भी वे आर ग्रेट शहनाई प्लेयर, दूसरे पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। आइए पांचवें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। द यंग बॉय टुक हासिल करना, रुचि दिखाना म्यूजिक संगीत में अर्ली इन लाइफ जीवन के प्रारंभ में ही। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, छोटे बालक ने प्रारंभिक जीवन में ही संगीत में रुचि लिया। एट द एज ऑफ थ्री एट द एज ऑफ थ्री, तीन वर्ष की अवस्था में वेन हिज मदर टूक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी। तीन वर्ष की अवस्था में जब उनकी माताजी उन्हें उनके मामा जी के घर बनारस, जो कि अब वाराणसी में है, वहाँ पर ले गईं, बिस्मिल्लावाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, तो बिस्मिल्ला खान अपने मामाओं को शहनाई का अभ्यास करते देखकर बहुत मुग्ध हुए, बहुत प्रभावित हुए। सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड एकम्पनिंग हिज अंकल अली बक्स टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बक्स वॉज इम्प्लाइड टू प्ले द शहनाई। शीघ्र ही बिस्मिल्ला खान ने अपने मामा अली बक्स के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, जहां बक्स शहनाई वादन के लिए नियुक्त थे। देखिए, सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड एकम्पनिंग हिज अंकल अली बक्स, शीघ्र ही बिस्मिल्ला खान अपने मामा अली बक्स के साथ जाना शुरू कर दिए। कहाँ? टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु मंदिर वेयर बक्स वाज इम्प्लाइड टू प्ले द शहनाई, जहाँ बक्स शहनाई बजाने के लिए नियुक्त थे। तो क्या होगा? सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड एकम्पनिंग हिज अंकल अली बक्स टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बक्स वाज इम्प्लाइड टू प्ले द शहनाई। शीघ्र ही बिस्मिल्ला खान ने अपने मामा अली बक्स के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, जहां बक्स शहनाई वादन के लिए नियुक्त थे। अली बक्स वुड प्ले द शहनाई। देखिए, उनके मामा यानी जो अली बक्स थे, अली बक्स वुड प्ले द शहनाई, अली बक्स शहनाई बजाया करते थे। एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन इट एंड, और बिस्मिल्ला खान घंटों तक, देखिए, अली बक्स वुड प्ले द शहनाई, अली बक्स शहनाई बजाया करते थे। एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और बिस्मिल्ला खान घंटों लगातार मुग्ध बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। धीरे धीरे उन्होंने वाद्य यंत्र बजाने में पाठ लेने प्रारंभ कर दिए। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन बैठे बैठे अभ्यास किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मांगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बीकेम द यंग एप्रेंटिस फेवराइट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड्स। देखिए, फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले वर्षों में, फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले वर्षों में द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी मंदिर एंड मांगला मैया, और मंगला मैया के मंदिर एंड द बैंक ऑफ द गंगा, और गंगा के किनारे बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस फेवराइट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। आने वाले वर्षों में, देखिए,
फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले वर्षों में द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मांगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग्स अप्रेंटिसेस फेवराइट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। आने वाले वर्षों में बालाजी और मांगला मैया के मंदिर और गंगा के किनारे युवा प्रशिक्षार्थी के प्रिय स्थान बन गए। वेयर ही कूड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ पर वह एकांत में अभ्यास किया करता था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव। देखिए, गंगा के बहते हुए जल ने या गंगा के बहते हुए पानी ने उन्हें नए रागों में एकाएक परिवर्तन करने एंड इन्वेंट रागास वे आर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। देखिए, गंगा के बहते जल ने उन्हें नए रागों में एकाएक परिवर्तन करने तथा नवीन रागों की रचना करने जिन्हें पहले शहनाई की सीमा से परे माना जाता था की प्रेरणा दी। तो इस तरह से यह पांचवें पैराग्राफ में आप लोगों ने देखा कि एक छोटे से बालक ने प्रारंभिक जीवन में ही संगीत में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। 3 वर्ष की अवस्था में जब उनकी माताजी उन्हें उनके मामा जी के घर बनारस ले गईं, तो बिस्मिल्ला खान अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते देखकर बहुत प्रभावित हो गए। शीघ्र ही बिस्मिल्ला खान ने अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, जहां बख्श शहनाई वादन के लिए नियुक्त थे। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्ला खान घंटों तक लगातार मुग्ध बैठे रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने वाद्य यंत्र बजाने में पाठ लेने प्रारंभ कर दिए और वे पूरे दिन बैठे बैठे अभ्यास किया करते थे। आने वाले वर्षों में बालाजी और मांगला मैया के मंदिर और गंगा के किनारे युवा प्रशिक्षार्थी के प्रिय स्थान बन गए, जहां वह एकांत में अभ्यास किया करता था। गंगा के बहते जल ने उन्हें नए रागों में एकाएक परिवर्तन करने तथा नवीन रागों की रचना करने जिन्हें पहले उसकी सीमा से परे माना जाता था उसकी प्रेरणा दी। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आज का आपका 5वां पैराग्राफ। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन। मुझे आशा है कि इसकी व्याख्या आपके समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो निःसंदेह आप कॉन्टेक्ट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।